गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले सीरीज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्लीट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग वन बाई वन स्टार्ट करते हैं इसको। जनरेशन क्योंकि हमारा कोर इंटरेस्ट नहीं है और इसके लिए हम सेपरेट अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन लाइन्स। जनरेशन के बाद कोई भी पावर को डिलीवर करने के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन्स की ज़रूरत होती है, और ये ट्रांसमिशन लाइन्स में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक ट्रांसमिशन कंडक्टर्स और दूसरे टावर स्ट्रक्चर्स। सामने जो लाइन दिख रही है ये एक 400 केवी लाइन है और इसका जो सर्किट है ये डबल सर्किट यूज़ किया गया है, और ये आके पावर को डिलीवर करती हैं किसी सब स्टेशन पे। आप इधर देख पा रहे होंगे कि ये पावर जो है यहाँ एक सब स्टेशन पर आके डिलीवर की है, और ये सामने जो इनका कनेक्शन एक गैंट्री पे दिखाया जा रहा है, जिसको हम लोग गैंट्री बोलते हैं, सब स्टेशन की एंट्री पॉइंट होती है, वहाँ जाके इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद इसकी स्विचिंग और इसकी कंट्रोलिंग का जो अरेंजमेंट है वो सब स्टेशंस में होता है, और सब स्टेशंस के भी दो तरह के सब स्टेशन जो है अभी चलन में है। एक होता है GIS और दूसरा AIS। AIS एक पुराना सिस्टम है, पुरानी मेथोलॉजी है। AIS में बेसिकली जो इंसुलेशन है वो एयर इंसुलेशन रहता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो भी जो है चार्ज पार्ट है वो ग्राउंड से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है, और ये स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है उसको ग्राउंड से आइसोलेट रखती है, जिससे कि पावर जो है नीचे काम करने वाले लोगों को जो है वो उसको हैम्पर ना करे। अब हम इसका एक डिटेल विजिट करेंगे और इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। GIS का विजिट भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। GIS में क्या होता है कि ये सारा अरेंजमेंट एक बंद कैबिनेट में रहता है, एक बंद पाइप में रहता है, और उसको एक इनर्ट गैस SF6 गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस के मीडियम में उसको रखा जाता है। वहाँ पे साइज़ बहुत कम होता है, जैसे ये स्विचयार्ड आपको देखने मिल रहा होगा, एक बहुत बड़ा स्विचयार्ड है। ये 400 केवी सेक्शन है, और इधर मैं आपको जो विजिट कराऊंगा आज एक 765 केवी स्विचयार्ड का सेक्शंस का विजिट कराऊंगा, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अभी जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, इसके एलिमेंट्स के बारे में आज बात करेंगे कि इसमें क्या क्या एलिमेंट लगे रहते हैं। ठीक है, हम अपना फर्दर विजिट अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब सब स्टेशन के हर एक पार्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये हमारा लाइन आके एक सामने टावर है जिस पे आके टर्मिनेट हुई है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं गैंट्री। और सब स्टेशन का जो पहला एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। और यहाँ पे जो हमने ये 765 केवी का एक सब स्टेशन है, और इसमें जो लाइटनिंग अरेस्टर यूज किया गया है वो एडवांस लाइटनिंग अरेस्टर है। इसको हम लोग ZSNO टाइप लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं, और ये बेसिकली इसमें एक पाउडर यूज़ होता है ZSNO का। वो नॉर्मली तो इंसुलेटर होता है, मगर जैसे ही कोई भी स्काई लाइटनिंग होती है उस समय वो एक कंडक्टिंग मीडियम बन के उस लाइट को ग्राउंड कर देता है। इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन्स में भी ऊपर एक ग्राउंडिंग वायर यूज़ किया जाता है जो कि लाइटनिंग को अरेस्ट करने का काम करता है। इसके आगे का एक एलिमेंट आपको ये लाइटनिंग अरेस्टर है, और यहाँ पे इसका एक मॉनिटर है जहाँ पे हम चेक करते रहते हैं इसकी हेल्दीनेस और इसमें कितनी बार लाइटनिंग स्ट्रोक्स हुए हैं, उसकी काउंट इसमें आता रहता है, और एक लीकेज करंट भी इसमें शो होता है। ये है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बाईपोस्ट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको BPI बोलते हैं इन शॉर्ट। और उसके ऊपर जो ये पावर डिलीवर हो रहा है वो ट्रांसमिशन लाइन से एक IPS ट्यूब है, ये एल्युमिनियम ट्यूब होती है बेसिकली, और इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। रिजिड होती है, इसमें मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है। तो और ये 4.5 इंच का एक IPS ट्यूब है, एल्युमिनियम का बना हुआ है। इसके आगे ये है मेजरिंग CVT। मेजरिंग CVT इसलिए बोल रहा हूँ कि CVT एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारा सिस्टम में कितना वोल्टेज चल रहा है वो हमेशा मेजर करता रहता है, क्योंकि वोल्टेज का लेवल यहाँ काफ़ी हाई रहता है 765 के भी, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट तो मेज़र किया नहीं जा सकता है उतने हाई वोल्टेज को। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेशियो बेस्ड ट्रांसफार्मर बनाते हैं, और ये एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज की मेजरमेंट का काम करता है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्स होती हैं। ये कोर्स जो है
हमारे प्रोटेक्शन में और इवन हमारे मेजरमेंट में यूज़ की जाती है। इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है, ये है लाइन मैचिंग यूनिट। और ये इसका जो काम रहता है वो ये कनेक्शन जो है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और पावर लाइन के थ्रू जो हमारे कैरियर कम्युनिकेशंस फ्लो होते हैं उनको हम यहाँ पे लाके इस CVT में जो इसका कैपेसिटर है उसको यूज़ करते हैं और एक फ़िल्टर बना के उसको यहाँ से हम ट्रैप कर लेते हैं। इसके आगे की यूनिट है, इसको बोलते हैं वेव ट्रैप। जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी जो पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन होता है उसको हम इसकी यूज़ से, इसमें एक्चुअली एक जो ऊपर आपको ड्रम जैसा दिखाई दे रहा है ये एक तरह का इंडक्टर है, और CVT के कैपेसिटर और इसको मिला के एक पाई फिल्टर बना के हम यहाँ पे जो एक्सेस हमारी फ्रीक्वेंसी है जो कि पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन में यूज़ हो रही है उसको यहाँ ट्रैप करके और इस केबल के थ्रू, सामने जो इसमें बोर्ड में एक केबल लगी हुई है इसके थ्रू हम लेके जाते हैं अपने PLCC यूनिट के पास। फिर आगे अगेन आप देख रहे होंगे कि एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, इसको BPI बोलते हैं। और इसके आगे एक CT लगी हुई है, CT मतलब ये करंट ट्रांसफार्मर है, और ये हमारी लाइन में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट, साथ के साथ ये हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस को भी इनपुट देती है। और यहाँ से हमारी जो प्रोटेक्शन रिलेज हैं उनको कितना करंट और इवन फॉल्ट करंट्स को जो मेज़र करने में इसका यूज़ होता है। फिर आगे ये जो CVT है ये स्पेशली थोड़ा लाइन से अलग हट के इसको लगाया जाता है, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन में हेल्प करना। इसकी जो कोर्स हैं वो हम लोग प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं, जब ओवर वोल्टेज की कंडीशन होती है तो यही इंडिकेट करती है कि सिस्टम में जो वोल्टेज है वो एक्सेस है। नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो MS का है, GI का है, और इसकी एक स्पेसिफिक हाइट दी जाती है क्योंकि ये एक AIS बेस्ड सब स्टेशन है, इसलिए इसका जो मीडियम है इंसुलेशन का वो ग्राउंड से इसका जो डिस्टेंस है और इस मीडियम में जो एयर है वो इसका एक तरह से इंसुलेटर है, इंसुलेशन मीडियम है। और ये हमारा एक आइसोलेटर है, ये स्पेशल क्लास आइसोलेटर है, इसको जो है नी ब्रेक बोलते हैं। नी ब्रेक मतलब जो बीच में जो हिस्सा है उसको नी बोलते हैं, और जब ये ओपन होता है तो इसका मैं ओपनिंग मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करूँगा ये किस तरह से काम करता है। जब भी हमें सिस्टम में कोई मेंटेनेंस करनी होती है और लाइन को सबस्टेशन से अलग करना होता है तब हम जो है इसको यूज़ करते हैं, और इस आइसोलेटर से हम लाइन को आइसोलेट कर देते हैं। और इसमें जो एक नीचे आपको ये डंडे टाइप की चीज़ दिखाई दे रही होगी ये इसका अर्थ स्विच है, और ये ऊपर जाके सिस्टम में वहाँ आइसोलेटर में अटैच हो जाता है और पूरी लाइन को ग्राउंड कर देता है और हम अपनी लाइन की मेंटेनेंस कर पाते हैं। सामने एक जो ट्रांसफार्मर जैसी चीज़ दिखाई दे रही है ये बेसिकली लाइन में यूज़ होने वाला एक संट रिएक्टर है, और इस रिएक्टर के साथ में एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है जिसको हम लोग बोलते हैं NGR, क्योंकि लाइन में इंडक्टेंस बहुत हाई होता है और उस कंडीशन में जो है न्यूट्रल में जो जाने वाला करंट है उसका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, तो हम लोगों को एक न्यूट्रल में एक रजिस्टर यूज़ करना पड़ता है जिससे कि एक्सेस करंट जो है उसके थ्रू पास ना हो जाए। और यहाँ पे हमने यहाँ पे NGR यूज़ किया है, और NGR से पहले एक छोटा LA भी यूज़ किया गया है इस सिस्टम में, और यहाँ से मैं दिखा पाऊँगा कि LA में किस तरह के काउंटर्स होते हैं और क्या वहाँ पे रीडिंग्स आती हैं। तो ये LA काउंटर से आप देख पाएंगे कि LA में यहाँ आपको जो है इसकी हेल्थ के बारे में भी रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें सामने आपको दिख रहा होगा कि एक काउंटर है जिसमें कुछ वैल्यूज़ आई हुई हैं, ये वाला जो ब्लैक वाला है ये बेसिकली काउंटर है, हाँ ब्लैक वाला, और जो नीचे जो निडल वाला एक ये पार्ट लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं लीकेज करंट मेजरमेंट। और इसकी लिमिट्स इसमें दी हुई हैं कि ये ग्रीन जो है 2 एम्पियर तक ग्रीन है, उसके बाद ये रेड जोन में चला जाता है और तब ये फॉल्टी होने का डर रहता है, इसको चेंज किया जाता है। और सिस्टम में कई जगह लाइटिंग अरेस्टर्स यूज किए जाते हैं मेजर इक्विपमेंट्स के आसपास जिससे कि किसी तरह की लाइटनिंग हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके। ये एक लाइव सिस्टम है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरी साउंड जो है महसूस हो रही है, ये साउंड जो है ये लाइन में जो यूज़ किया जाने वाला रिएक्टर है इसके लिए यूज़ हो रही है, क्योंकि जनरली जो लॉन्ग डिस्टेंस लाइन रहती है उसमें
जो रिएक्टिव पावर्स है वो हाई रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंडिंग एंड की जो वोल्टेज है वो रिसीविंग एंड की वोल्टेज से जनरली हाई रहती है। तो उसको एक लिमिट में रखने के लिए हम लोग उस पर एक एक्सेस लोड लगा देते हैं, जो कि रिएक्टर, जिसको रिएक्टर बोलते हैं। ये एक तरह का डैम्पर का काम करता है। जब भी लाइट लाइन की स्विचिंग करते हैं आप, या लाइन पे लाइट लोड रहता है, तब इसको जो है ये हमेशा जो है लाइन के साथ पिक्चर में रहता है। जब भी लाइन आप चार्ज करेंगे ये लाइन के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, और इससे जो रिलेटेड इंडिकेशंस हैं, क्योंकि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती है आपको, कितना इसमें कितना इसका लोड चल रहा है, कितना इस पर बेसिकली इसके टेम्परेचर्स क्या चल रहे हैं। ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर जैसी यूनिट होती है, और यहाँ आप देख रहे होंगे एक WTI मीटर है और एक OTI मीटर है। WTI मीटर इसकी वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मेजर करता है, जिससे हमें उसकी हेल्थ के बारे में पता लगता रहता है, कहीं एक्सेस हीट तो नहीं जनरेट हो रही है। और इससे जो रिलेटेड LA, CT, CVT उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन केबल्स के थ्रू हम लोगों के पास। आगे एक बिल्डिंग मैं दिखाऊंगा जिसको बोलते हैं कियोस्क, ये लेटेस्ट पिक्चर में आई है, और पहले प्रैक्टिस में नहीं होती थी। पहले कंट्रोल रूम्स में ही कंट्रोल एंड स्विचिंग रिलेज और पैनल्स रखे जाते थे। अब आज की डेट में ये हुआ है कि स्विच यार्ड्स में ही कियोस्क बना दिए जाते हैं, और वहाँ तक ये केबलें जाती हैं, जो कि सारी इंफॉर्मेशन, वोल्टेज, करंट, LA की इंफॉर्मेशन, रिएक्टर्स के टेम्परेचर्स, ये सारे जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं। जितने भी मेजर इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसमें मैंने आपको बताया कि LA का यूज़ किया जाता है कि लाइटनिंग से उनको बचाया जा सके। यहाँ पे भी इन्होंने एक LA यूज़ किया है, और इसका मॉनिटर आगे की तरफ है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर वही पाइप बस कंटिन्यू होती है, और आगे बढ़ते हुए ये एक आइसोलेटर तक जाती है। ये आइसोलेटर का काम बेसिकली इस जो रिएक्टर को सिस्टम से आइसोलेट करने का है, और ये सेम प्रैक्टिस का ही आइसोलेटर यूज़ किया गया है, नी ब्रेक टाइप का। और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेवल्स डाले गए हैं, जो कि टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल का जो चैप्टर है वो आपसे मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है। आपको अगर इसके बारे में जानकारी लेनी है तो वहाँ उस वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं। तो इससे टच और स्टेप पोटेंशियल हम बढ़ा लेते हैं, जिससे कि नीचे जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक सेफ्टी बनी रहती है। आइसोलेटर पे मैं वापस ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, वो सेपरेटली कभी आइसोलेटर के बारे में एक लेक्चर बना के उसको आप लोग साथ डिस्कस किया जाएगा। अब जो लाइन वहाँ से आई है, जैसा आपने देखा होगा लाइन वहाँ उस टावर पे आई है, उसके बाद फिर उस लाइन को हम लोग कंटिन्यू करके लेके आए बस रिएक्टर को पिक्चर में लेते हुए। और ऊपर जो बस जा रही है, क्योंकि वो हाइट पे है तो उसको हम लोग बोलते हैं जैक बस। ये हाइट ज़्यादा होने की वजह से इसकी हाइट करीब 37 मीटर होगी, 37 टू 38 मीटर। ये जैक बस है जो कि अक्रॉस करती है, और ये जो सामने दिख रहे हैं एक जो लाइन जैसा, ये हमारी मेन बस वन है। और इस तरह की, क्योंकि ये 1.5 ब्रेकर स्कीम पे काम करने वाला सब स्टेशन है, तो ये पहली बस है जो कि 765 की यहाँ पे यूज़ की गई है, और इस पे हमारे लाइन और रिएक्टर्स दोनों जुड़े हुए हैं बस वन पे। इसका किस तरह से बस से इसको जोड़ा जाता है वो अरेंजमेंट मैं आगे आप लोगों को जंपर्स के थ्रू किस तरह से जोड़ा है इन लोगों ने वो दिखाऊंगा। और यहाँ पे क्योंकि तीनों फेज एक डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, जैसे ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, तो इनका अरेंजमेंट भी उस हिसाब से ही करना पड़ता है। अब यहाँ पे बी फेज को हमने यहाँ पे ये सिस्टम के साथ जोड़ दिया है, और बी फेज के बाद में हमने यहाँ वाई फेज को ये सिस्टम के साथ पाइप बस से जोड़ते हुए आगे फर्दर बे में ले गए हैं। इसको हम बे बोलते हैं बेसिकली। एक बे में एक जनरल अरेंजमेंट जो रहता है वो ये होता है कि एक ब्रेकर रहता है, एक सीटी रहती है, और एक दो सेट आइसोलेटर के रहते हैं, वो एक कंप्लीट बे बन जाती है। और वो हमारे किसी एक यूनिट को या एक सिस्टम को या एक फीडर को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो बस है आर फेज को यहाँ पे ड्रॉप कराया गया है, और वो ये जो सिस्टम के साथ आगे कनेक्ट हो गया है। आगे एक आइसोलेटर है जो कि बस से कनेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ से मुझे पावर अगर बस वन से लेनी है तो मुझे सामने, जैसे आपने मैंने बताया, वो नी टाइप का एक आइसोलेटर है,
और यहाँ ओपन कंडीशन में है, इसका मतलब ये है कि ये बस वन से कनेक्टेड नहीं है। और इसका जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि नी ब्रेक होने के बाद ये किस तरह से दिखता है, और इसको ग्राउंड कर रखा है इस सेक्शन को, और जो अर्थिंग वाला एक ये है एलिमेंट वो ऊपर लगा हुआ है उसमें सिस्टम में, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरा कैमरा अलाउ करता है तो। ये है और यहाँ पे एक छोटा सा पाइप है, ये पाइप जाके ऊपर कनेक्ट, इसमें ये अर्थिंग पाइप है बेसिकली, ये दिस वन जो कि पोर्सलिन के पैरेलल चल रहा है, ये एक तरह की अर्थिंग होती है। अब इसके आगे चलते हैं तो फिर फर्दर जो हमारे एलिमेंट लगे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये आइसोलेटर हो गया, आइसोलेटर के आगे ये SF6 का सर्किट ब्रेकर है, जो आगे एक बड़ी सी टी टाइप की यूनिट दिखाई दे रही है। ब्रेकर बेसिकली ये आर्किंग चैम्बर है और नीचे पोल है, और इसका जो मैकेनिज्म है वो सामने एक स्ट्रक्चर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इसका एक ब्रेकर का मैकेनिकल जो ब्रेकिंग मेकिंग अरेंजमेंट के लिए जो मोटर्स वगैरह ड्राइव्स वगैरह लगाए जाते हैं वो उस मार्शलिंग बॉक्स में होते हैं, और उस बॉक्स के थ्रू हम लोग केबल से कनेक्ट रहते हैं और इसको मेक और ब्रेक करने के लिए स्काडा के थ्रू सिग्नल यहाँ पे आते रहते हैं। वो हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग और सिस्टम की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ब्रेकर को कमांड देते हैं, या कभी फॉल्ट की कंडीशन होती है तो वो सेल्फ में जो हमारी ID रिलेज हैं वो ऑटो स्मार्ट होती हैं, या आपने देखा होगा कि केबल्स जो है ब्रेकर से ये मार्शलिंग बॉक्स से होते हुए ये केबल्स नीचे केबल ट्रेंचेस में आ रही हैं, और ये केबल ट्रेंचेस से सामने जो बिल्डिंग है इसको कियोस्क बोलते हैं वहाँ तक जा रहे हैं। बीच में कुछ टर्मिनल और यूनिट्स लगाए गए हैं। ये जो बॉक्सेस हैं ये BM के हैं, जो यहाँ पे दो तरह की केबल होती हैं, एक कंट्रोल केबल्स और एक पावर केबल्स। पावर केबल्स बेसिकली जो हमारे ड्राइव्स होते हैं उनको मूव कराने में काम आती हैं। ड्राइव्स मतलब मोटर्स हो गई, और कुछ स्विचेज होते हैं, लाइटनिंग पैनल्स हो गए। यहाँ पे मैंने आपको लाइट पैनल्स लाइट का जो अरेंजमेंट है वो शायद अभी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाया है। मैं जूम करके किसी टावर पे, पहले तो एक प्रैक्टिस होती थी कि अलग से टावर लगाए जाते थे, लाइटिंग टावर बोलते थे उनको, मगर अभी क्या हुआ कि उस एक्स्ट्रा खर्चे को जो है बचाने के लिए चेंज कर दिया सिस्टम को। यहाँ पे आप देख, अब ये सामने बे में हम आ गए हैं, और ये बे हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बे 70489B F2। तो ये बे 704, इस बे में जो पहला एलिमेंट है वो एक सिटी है, ये एक 765 की भी सिटी है, 6 कोर, जिसमें से 3 कोर को 4 कोर्स को यूज़ किया गया है फॉर प्रोडक्शन पर्पज़, और 2 कोर्स जो 0.2 क्लास की रहती हैं उनको यूज़ किया गया है मेजरिंग पर्पज़। अब इसके आगे इन्होंने यूज़ किया है एक आइसोलेटर, जो कि नी ब्रेक टाइप आइसोलेटर है, और इसको ओपन रखा गया है। इस आइसोलेटर में मैं आपको इंटरनली दिखाता हूँ किस तरह से ड्राइव्स लगी होती हैं, मोटर्स बोलते हैं उनको, और ये ऊपर इसको रोटेट करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक मोटर लगी हुई है, अंदर जो है कुछ ड्राइव्स हैं जो कि इसको मेकिंग और ब्रेकिंग करने में यूज़ होती है। यहाँ से आप इसका मैनुअल ऑपरेशन भी कर सकते हैं और रिमोट ऑपरेशन भी। ये केबल के थ्रू ये कनेक्टेड रहती है हमारे कंट्रोल सिस्टम से, उसके बाद सामने आपको कंट्रोल रूम दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक, वहाँ से स्काडा हम ऑपरेट करते हैं, जो सिग्नल यहाँ आते हैं और उसके बाद ये ग्राउंड में यहाँ आके इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से वो दो चीज़ करता है स्काडा, स्काडा यहाँ से इसकी पोजीशन की मॉनिटरिंग भी करता है कि ओपन है या क्लोज है, उसके बाद कुछ जो एलिमेंट होते हैं जैसे ब्रेकर है उसको तभी आप ऑपरेट कर सकते हो जब आपका आइसोलेटर लगा हो, ओपन कंडीशन में नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक और आइसोलेटर दिखाई दे रहा है जो कि क्लोज कंडीशन में है, और फर्दर फिर आगे एक और बे कंटिन्यू होती है यहाँ से, और इस बे में ये सामने ब्रेकर है, ऊपर जो है वो ब्रेकर का आर्किंग चैम्बर है,
मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ कि अर्थिंग चैम्बर बेसिकली दिखता कैसे है। यहाँ ग्राउंड पे ये एक स्पेयर रखा हुआ है, ये अर्थिंग चैम्बर है, और इस अर्थिंग चैम्बर को हम कभी भी ज़रूरत होती है तो रिप्लेस कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि वहाँ हाइट ज़्यादा है तो देखने में छोटा लग रहा है। ऊपर जाना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ इंडक्शन लेवल हाई होता है और मैं रिकॉर्डिंग को इंडक्शन में चालू नहीं रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ की लिमिट्स हैं कुछ, तो नहीं तो मैं इसका जो मार्शलिंग बॉक्स है उसमें किस तरह का मैकेनिकल अरेंजमेंट दिया गया है वो आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अब इसके बाद हम विजिट करेंगे एक कियोस्क की। कियोस्क में क्या क्या कंट्रोल एंड रिले पैनल्स रहते हैं उनकी एक ब्रीफ जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। ये कियोस्क है, इसमें कंट्रोल एंड रिले पैनल्स सिचुएटेड होते हैं। ये सबसे पहले लाइन की प्रोडक्शन के लिए लाइन रिले है जिसको REL बोलते हैं, और ये पे कंट्रोल यूनिट है REC। यहाँ पे ABB का पे कंट्रोल यूनिट यूज़ किया गया है, और ये एक बैकअप रिले है जिसको हम लोग M2 भी बोलते हैं। ये एलेस्ट्रॉम का है P444, और यहाँ पे इसके ऊपर आप लोग देख रहे होंगे ये ब्लिंक करती हुई कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ से एक फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन देता है इन IDs को। ये IDs एक स्मार्ट रिले है, स्मार्ट कंप्यूटर है जो कि स्काडा सिस्टम से हमेशा कनेक्ट रहता है और उसके साथ कम्युनिकेट करता रहता है, अपनी पोजीशंस बताता है या फॉल्ट की कंडीशन में फॉल्ट बताता है। ये फर्दर यहाँ पे REL रिले लगी हुई है जो कि लाइट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, और इस पे में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मर आता है तो ट्रांसफॉर्मर के प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पर रिले दी हुई है। इसमें RET दी हुई है, RET का मतलब है कि ये हमारे जो इस बे में जो लाइन रिएक्टर लगा हुआ है उसके प्रोडक्शन में यूज़ होती है। दूसरे एंड पे इस पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर पे भी RET रिले यूज़ की गई है क्योंकि ट्रांसफार्मर और रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन लगभग एक जैसा रहता है। बस फर्क ये रहता है कि ट्रांसफार्मर जो है पावर को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे वोल्टेज लेवल पे स्टेप अप या स्टेप डाउन करके दूसरे एंड को रोका। वहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कि PLCC कैबिनेट होता है हर यूनिट में, तो ये PLCC कैबिनेट है। इसमें हालांकि कई बार मेरे से क्वेश्चन किए गए हैं कि इसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाए, तो उसके लिए फर्दर स्पेशल अलग से टाइम और अलग से एक लेक्चर रखा जाएगा। ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन की रिले हैं, यहाँ पे इनकी पोजीशन इंडिकेटर क्योंकि ये अभी बंद पड़ा हुआ है तो इनका क्या इनका ये पोजीशन इंडिकेशन जो है बताता है कितना टेम्परेचर है इसमें, और नीचे टैप की पोजीशन शो करता है। और यहाँ पे ये जो स्मार्ट रिलेज लगी हुई हैं इसको REGT बोलते हैं। ये एक जर्मन बेस्ड रिले है, वो LTC की पोजीशन AVR और ट्रांसफार्मर की मॉनिटरिंग का काम करते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितना इस समय टेम्परेचर चल रहा है, कितने फ़ैन ऑन हैं, कितने फ़ैन ऑफ हैं। और जो दूसरा कमर्शियल पार्ट होता है ये मीटर्स होते हैं बेसिकली। अब ये 12 लाइन के लिए 2 मीटर लगे हुए हैं, एक को चेक मीटर बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं मैन मीटर। दोनों मीटर्स में रीडिंग लगभग सेफ होनी चाहिए और इससे हम पता लगते हैं कितनी पावर हम डिलीवर कर रहे हैं, कितनी पावर हम रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका कंट्रोल एंड रिले पैनल्स का कियोस्क है। एक ही कियोस्क का मैं विजिट करा के आपको एक सिग्निफिकेंटली बता सकता हूँ कि किस तरह का इसमें अरेंजमेंट रहता है और किस तरह की इसमें रिलेज लगी होती है। ये स्पेशल रिले है जिसको बोलते हैं स्विचिंग सिंक्रोनाइजिंग रिले। ये बेसिकली जो रिएक्टर्स और ट्रांसफार्मर्स को जब स्विचिंग करनी होती है, जब उनको जोड़ना होता है सिस्टम में और जब सिस्टम से हटाना होता है उस समय इस रिले को पिक्चर में लाया जाता है। सामने आपको कुछ पैनल्स दिखाई दे रहे होंगे, ये पैनल्स स्पेशली यूज किए जाते हैं स्विचयार्ड की लाइट के लिए नाइट में, क्योंकि हम लोग 24/7 वर्क्स करना होता है और ये पावर डिलीवरी हमेशा जो होती रहती है तो लाइट का अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। ये टावर्स पे ही अरेंजमेंट किया गया है, ऊपर आपको जो है कुछ लाइट्स जो है क्योंकि काफ़ी हाइट पे है इसलिए थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक या दो लाइट लगी हुई है दोनों डायरेक्शन में, एक लाइट ये लगी है इस साइड और एक लाइट यहाँ पर लगी है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों लाइट्स लगी हुई, इनका कनेक्शन जो है
यहाँ पे इनके चोक्स, चोक बोलते हैं इनको, चोक एंड इग्निटस जो है वो यहाँ लगे हुए हैं, और कंट्रोल के लिए पैनल्स भी लगे हुए हैं। इसके आगे ये नेक्स्ट बे है, वही सेम अरेंजमेंट, दो आइसोलेटर्स, एक सीटी, उसके बाद एक ब्रेकर। ब्रेकर में अगर कोई मेंटेनेंस करना होता है तो दोनों साइड से आइसोलेट करने के लिए उसके दोनों एंड का आइसोलेटर होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो आप ब्रेकर पे काम नहीं कर पाएंगे, और ब्रेकर में ईयरली टू ईयरली कुछ ना कुछ मेंटेनेंस वर्क्स आते रहते हैं। जैसे पहले मैंने एक पिक्चर आपके साथ शेयर की थी कि ब्रेकर में किस तरह से फॉल्ट आया था और हम लोगों ने फिर उसको किस तरह से हैंडल किया, वो आप लोग देख चुके होंगे। अब इसके आगे जो सब स्टेशन का सबसे मेजर पार्ट होता है ट्रांसफार्मर, उसकी एक ब्रीफ नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगा। बताया था कि बस वन मैंने आपको दिखाई थी, इसी तरह से ये बस टू है, और सेम इसमें भी इसी तरह से अरेंजमेंट रहता है, कनेक्शंस रहते हैं। ये बी फेज का कनेक्शन है, वहाँ पे आपको मिड में दिखाई देगा एक वाई फेज का कनेक्शन, और आर फेज का कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे टू बस अरेंजमेंट है, और ये जो स्कीम हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1.5 ब्रेकर स्कीम है। पूरे एक डाया में 3 ब्रेकर्स को यूज किया गया है, और एक किसी फीडर के लिए 1.5 ब्रेकर को यूज किया जाता है, इसलिए इसको 1.5 ब्रेकर स्कीम बोलते हैं। इसके अलावा और भी स्कीम्स होती हैं, टू बस स्कीम, टू बस वन ट्रांसफ़र, टू बस ट्रांसफ़र, टू बस मैन ट्रांसफ़र, सिंगल बस, इस तरह से कई सारे बस के अरेंजमेंट्स रहते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। 1.5 ब्रेकर स्कीम बहुत ही कन्विंसिंग, एक मतलब एक बहुत ही इजी कह सकते हैं एक स्कीम है, जिसमें कि बहुत सारी आपको जो फैसिलिटी मिलती है, उसमें आप अपने एलिमेंट को दो लोकेशन से पावर दे सकते हैं, और कम से कम आप स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटेक्शन जो है वहाँ प्रोवाइड दे सकते हैं। तो इसलिए आज की डेट में जितना भी जो मेजर सब स्टेशंस हैं उसमें ये बहुत पॉपुलर है। 1.5 ब्रेकर स्कीम सबसे लेटेस्ट है, इससे पहले वाली जो स्कीम्स थी वो जनरली टू बस वन ट्रांसफ़र ज़्यादा यूज़ होती थी। GIS में जनरली वही देखने को मिलती है, और AIS के जो लेटेस्ट सब स्टेशंस हैं उनमें हमको जो देखने को मिलती है 1.5 ब्रेकर स्कीम, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें भी सिटी मेथड के ऊपर डिपेंड करता है, 3 सिटी मेथड है या 4 सिटी मेथड है। यहाँ पे दोनों ही तरह के सिटी मेथड यूज़ किए गए हैं। 400 के भी मैं 2 डाया ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने 4 सिटी मेथड यूज़ किया है। दोनों एंड पे जहाँ फीडर रहता है वहाँ पे 4 सिटी मेथड यूज़ करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक किसी बे को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 सिटी के इनपुट्स आपको चाहिए ही होते हैं, तो वो ज़्यादा इजी रहता है, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए गए हैं वो बेसिकली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैं, जो कि यहाँ से 765 पावर लेते हैं इन पाइप बस के थ्रू, और वहाँ पीछे एक आइसोलेट करने का अरेंजमेंट दिया हुआ है, आइसोलेटर है वो, और पावर यहाँ HV बुशिंग में आती है। HV बुशिंग हम हाई वोल्टेज बुशिंग को बोलते हैं, और यहाँ के लिए जो हाई वोल्टेज है वो 765 है। फिर दूसरे एंड पर एक छोटी बुशिंग है, इसको LV बुशिंग बोलते हैं, ये जो कि 400 kV यहाँ से स्टेप डाउन करके हमारे जो 400 kV का सामने स्विच यार्ड है वहाँ के लिए पावर को डिलीवर करती है। तो मैं आपको इसका एक छोटा अरेंजमेंट दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल इंजीनियरिंग तो काफ़ी बड़ी है। ट्रांसफॉर्मर में आप लोग देख रहे होंगे ये रेड कलर के कुछ पाइप्स यूज़ किए गए हैं, इसको इमल्सीफायर बोलते हैं बेसिकली, और इसका जो यूज़ होता है वो कभी भी जब भी फायर हो जाती है उस कंडीशन में जो है इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा हाउस बना रहता है जिसमें इसका कंट्रोल और कनेक्शन सिस्टम रहते हैं, ये पाइप के थ्रू जो है ये पाइपलाइन जा रही है, इससे हमारे फायर के एक डिटेक्शन लाइन है और एक दूसरे फायर स्प्रिंकलर लाइन है। डिटेक्शन कैसे किया जाता है कि यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे ये फायर सेंसर्स लगे हुए हैं, जब भी कोई फायर होती है तो इसके अंदर एक छोटा ट्यूब रहता है वो फट जाता है, और ये स्प्रिंकलर्स हैं जो ऑटोमेटिकली पानी स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपको मैं जो स्मॉल फायर हाउस बनाया हुआ है, ये मेन पाइपलाइंस हैं जिससे ये वाटर
बेस सिस्टम है, ये इन सारे ही मेजर यूनिट्स को पानी की सप्लाई देता है। ये एक हमारा अरेंजमेंट है, यहाँ पे इन्होंने दो वाल्व दे रखे हैं, वहाँ पे मेजरिंग के लिए, प्रेशर मेजरिंग के लिए कुछ नेडल्स लगाए हुए हैं, और सायरन के लिए ये यूज़ किया गया है। जब भी कोई फायर होती है वो सायरन ऑन हो जाता है, और यहाँ से ये 400 की भी पावर डिलीवर होती है। डिलीवर होकर सामने जो दूर में आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा, उन बस के थ्रू 400 की भी नेटवर्क पे आती है, क्योंकि यहाँ सिंगल फेज अरेंजमेंट है। सिंगल फेज अरेंजमेंट में 33 के भी जो इसकी एक मीडियम वोल्टेज है, उसको हम यहाँ पे बाहर हमको एक कनेक्शन देना पड़ता है, जिस कनेक्शन से हम लोग एक स्टार पॉइंट निकालते हैं यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे डेल्टा यूज़ किया गया तो स्टार पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने यहाँ पे इसको एक डेल्टा बना के छोड़ दिया है। बाकी इन चारों के न्यूट्रल्स को हमने एक जगह कलेक्ट करके एक सिटी के थ्रू ग्राउंड कर दिया है, और वहाँ पे हमारा स्टार पॉइंट बन गया है। अब ये जो पावर हमारी 400 केवी में कन्वर्ट होके फिर इस स्विच यार्ड के थ्रू 400 केवी स्विच यार्ड में जाती है, वहाँ पे भी अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है वो एक सिटी है, ये एक सिटी है, एक बे है, और इसमें ये आपका ब्रेकर है, और दोनों साइड पे आइसोलेटर है। उनके आइसोलेटर्स की डिज़ाइन इससे थोड़ा सा अलग रहती है, और ट्रांसफार्मर के प्रोडक्शन और उसकी कूलिंग के लिए स्पेशली कुछ फैंस लगाए जाते हैं, जो कि उसको जब भी हीट प्रोड्यूस होती है तो ठंडा करते रहते हैं। ये रेडिएटर्स हैं। तो ये एक स्मॉल विजिट है सब स्टेशन की। इसके बाद हम लोग कंट्रोल रूम्स देखेंगे, कंट्रोल रूम में किस तरह का इसका अरेंजमेंट रहता है वो आप लोगों को दिखाएंगे। फायर प्रोटेक्शन के लिए हर सब स्टेशन में एक अग्निशमन केंद्र यानी कि फायर स्टेशन बनाया जाता है, जिसमें कि बड़ी बड़ी पंप्स रहती हैं, और ये पंप हमेशा एक प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं। उससे अगर प्रेशर कम होता है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये पंप्स लगी रहती हैं। ये एक डीजल जनरेटर है, कभी अगर पावर सप्लाई फेल हो जाए तो उस कंडीशन में ये जो है काम करती है। ये फायर पंप्स लगी हुई हैं यहाँ पे, लाइन से काफ़ी फायर पंप्स लगी रहती हैं। तो फायर पंप्स हैं, उसके आगे दो चौकी पंप्स हैं जो कि प्रेशर को मेंटेन करती रहती हैं। प्रेशर यहाँ पे जो यूज़ करते हैं हम लोग वो बेसिकली होता है 8 bar तक। 8 bar से ऊपर अगर रहता है तो ये प्रेशर मेंटेन करना बंद कर देती है, और 6 bar के नीचे जाते ही या कोई फायर कंडीशन होती है, अचानक से कोई ड्रॉप आता है फायर में, तो ये उसको ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और उस पर्टिकुलर जहाँ पे प्रेशर लो हुआ होता है जिस डिवाइस के पास, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हो जाता है। इसके आगे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से कंट्रोल एंड रिले पैनल्स को जो TC और AC सप्लाई आती है उसका क्या अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ पे AC और DC सप्लाई कंट्रोलिंग अरेंजमेंट होता है, इसको ACDB DCDB रूम बोला जाता है। इसमें ये मेन सप्लाई हमारी मेन जो ऑक्सिलरी सप्लाई है 220 वोल्ट या 415 वोल्ट वो रिसीव होती है 3 phase सप्लाई, फिर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फील्ड में, और हर एक पे के लिए एक स्पेशल यहाँ अरेंजमेंट रहता है जो कि पावर को वहाँ तक जो है डिलीवर करता है। तो ये जो पैनल्स होते हैं ये पावर केबल्स के लिए रहते हैं, और DC सप्लाई जनरली कंट्रोल के लिए यूज की जाती है, या DC का भी दो वोल्टेज लेवल होता है 220 वोल्ट और 48 वोल्ट। यहाँ पे 220 वोल्ट के दो चार्जर हम लोगों ने यूज़ किए हैं, दो बैटरी बैंक भी दो ही रखे गए हैं, और ये 48 वोल्ट पावर सप्लाई है, इसके भी दो पैनल यूज़ किए गए हैं, और ये DC का जो डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट है वो इन पैनल्स के थ्रू किया जाता है। और इनका कनेक्शन जो है कंट्रोल रूम में इस तरह से एक ट्रे से केबल्स को मूव करा के, इसके जस्ट ऊपर कंट्रोल रूम है जहाँ पे स्काडा सिस्टम और बाकी जो कंट्रोलिंग यूनिट्स हैं वो लगी हुई हैं। उसको भी फिजिकली आपको मैं विजिट कराता हूँ, ठीक है। इससे आगे हम देखेंगे कि बैटरी बैंक्स कहाँ एक बैटरी रूम में रखी जाती हैं, इसको हम बैटरी रूम भी बोलते हैं।
ये बैटरी रूम है और इसमें मैं आपको अगर दिखा पाया तो अंदर बैटरी बैंक्स रखे हुए हैं। ये 220 वोल्ट के बैटरी बैंक्स हैं और ये 48 वोल्ट के बैटरी बैंक्स हैं। ये अभी ये बंद है तो इसको अपन यहाँ से ही आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं। ये कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम में सेफ्टी इंचार्ज इंजीनियर जो रहते हैं वो लोग बैठते हैं और यहाँ पे ये स्काडा सिस्टम रहता है। ये स्काडा मॉनिटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो पावर कहाँ से कितना डिलीवर हो रही है और ये किस तरह से कंट्रोल करते हैं। पीछे जितना भी डेटा हमारा स्विचयार्ड से कलेक्ट होता है वो ये दो स्विचेज हैं। इन स्विचेज के थ्रू ये कंट्रोल रूम के जो हमारे स्काडा के कंप्यूटर्स हैं उनमें आके कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट होने के बाद एक स्क्रीन के थ्रू और ये गेटवे है, यहाँ से जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो जो लोकल हमारा सेंटर है SLDC ALDC वहाँ तक डिलीवर होता है। और यहाँ इस तरह से कंप्यूटर अरेंजमेंट्स रखे रहते हैं जिसमें कि एक SLD हमेशा लाइव SLD चलती रहती है जिसमें कितनी पावर डिलीवर हो रही है और किस तरह से जो है मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा पाया क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इतना क्लियरिटी नहीं आ रही है। मेरा जो कैमरा है उसकी क्लियरिटी थोड़ी कम है। और यहाँ से ये फिज़िकली मॉनिटर भी करते रहते हैं क्योंकि इनकी जो विंडो होती है वहाँ सामने ही इनको नेचर इक्विपमेंट्स दिखाई देते रहते हैं और उसके इंडिकेशंस भी इनको स्काडा के थ्रू यहाँ आते रहते हैं। ये एक तरह से मैंने AIS का आपको एक विजिट कराया। AIS में किस तरह का अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे कोई ऑफिसर बैठा रहता है हमेशा, सीनियर ऑफिसर, ये उनका रूम होता है सीनियर ऑफिसर का। फिर आगे हम विजिट करेंगे एक बार GIS। ओके, थैंक यू।